अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। दूसरी चीज़ ये है कि आज के ब्लॉग में ना मैंने आपके साथ डेकोरेशन की कुछ चीज़ें शेयर की हैं जो मैंने अपने घर के लिए बाय की थी जब मैं उम्र रसाई थी तब, और वो वीडियो मैं आज तक नहीं लगा सकी क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब सेल लगेगी तब लगाऊंगी, तो मुझे भूल गया। और कल एक लड़की का कॉमेंट आ रहा था कि आप ही होम डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ बता दें, जैसे आपका घर बना है तो आपने कुछ चीज़ें वीज़ें ली होंगी डेकोरेशन के लिए, तो उन पर कोई सेल वेल लगी हुई है, तो वो भी दिखाती हूँ आज। नाश्ता भी दिखाती हूँ और खाने वगैरह का भी दिखाती हूँ। सारी चीज़ें जो है वो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलें ब्लॉग की तरफ चलते हैं। नहीं तो कल आटा नहीं था ना, आटा कम था, तो फिर थोड़ा सा आटा गूंदा था। आज वकास आटा ले आए हैं, तो अभी मैं पहले इसको छान रही हूँ, उसके बाद गूंदूंगी। कोई सुसरी सुसरी तो नहीं है अंदर, ये देखें ना, सुसरी तो नहीं है। चलें दूसरी वाली छलनी से छानते हैं बारीक वाली से। ओके भाई, तो इसका बाउल लगा दिया है मैंने। इससे बारीक छलनी नहीं है कोई मेरे पास, इससे इतना अच्छा आटा छनता है ना। कोई येलो येलो जो पार्टिकल्स होते हैं ना आटे के, देखें ये भी सेपरेट हो जाते हैं और ये बिल्कुल साफ आटा छनता है। चलो आटा छान लेती हूँ ना, फिर गूंदते हुए दिखाती हूँ, मशीन भी दिखाती हूँ कौन सी। कुर्सी के ऊपर सही से नहीं चल रही थी मशीन, तो फिर मैंने नीचे रख दी है। ये है ना अब्दुल्ला डाव मेकर है, मतलब अब्दुल्ला वाले की मशीन है, और ये हमें बहुत लोगों ने रिकमेंड की थी। और ये ना इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 kg आटा गूंदने की है, 5 kg तक आटा गूंद देती है। इसमें छोटी भी आती है जो सिर्फ 2 kg आटा गूंदती है, और ये काफ़ी अच्छा आटा गूंदती है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरी अभी कितना टाइम हो गया चल रही है माशाल्लाह से, 8.5 हज़ार रुपये की मैंने ली थी, और ये मैंने मार्केट से ली थी। लेकिन ना अगर आप विजिट करो ना ग्रीन वैली वगैरह में, तो आपको ना वहाँ पर बहुत इससे भी प्यारी मशीनें मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि इससे भी अच्छी मशीन मिलती है। तो वो मैंने मेरी दोस्त होती है सऊदीया में, तो उससे मुझे बताया था, तो वो ग्रीन वैली में और इस तरह के और जो अवेलेबल है, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, आप लोग मेरी वीडियो में देख लेना, तस्वीर में ऊपर होगा डव मेकर। तो ये भी बहुत अच्छी है, अगर आप इससे, ये जगह काफ़ी घेरती है, भारी है, इसको उठाना रखना अगर किचन बना हुआ है जगह पर सेट है फिर तो बेस्ट है, क्योंकि बाउल निकल के वॉश हो जाता है, अंदर थोड़ा सा आटा लग जाता है वो भी वॉश हो जाता है। अगर अदरवाइज दूसरी लेना चाहते हैं तो छोटी छोटी वो भी अवेलेबल है। रात का नान बच गया था, फिर आपको पता है बचा हुआ जो खाना होता है वो ज़ाया नहीं करती, इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो अभी इसको मैंने पानी लगा के रखा है कि नरम हो जाए, और बस चूल्हा ऑन करते हैं तो इसको फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही जो है मैंने ये चाय रख दी है पकने के लिए। ठीक है, आटा भी गूंद गया है, 2 रोटियाँ बना लूँगी पराठे, और एक जो है वो नान फ्राई कर लेती हूँ। आज है भी जुम्मा, जल्दी जल्दी से नमाज भी पढ़नी है, नहाना भी है, बच्चों को भी नहलाना है, और नेल्स वगैरह काटने हैं सबके। एक पराठा बेला हुआ है, दूसरा तवे पर डाला हुआ है, और नान जो है वो फ्राई हो गए हैं, चाय भी बन गई है। चाय के पीछे चूल्हा कम कर देते हैं हम, ठीक है ऐसे। और मैं नान दिखाती हूँ आपको, ये देखें सही रेड रेड नान फ्राई हुआ है। मेरी ये ट्रॉली जो है ना वो ख़राब हो गई थी जब मैं उम्र से आई थी, तो फिर वकास इसके व्हील वेल्ड करवा दिए मुझे। ओके, अंडा बन गया, पराठा बन गया, चाय बन गई, चले हम नाश्ता करते हैं। सभी मैं और वकास और बला जा रहे हैं डेकोरेशन पीसेस लेने कुछ, क्योंकि मेरे लैंप वगैरह काफ़ी सारे टूट गए हैं जो कमरों में लगे हुए थे वो, और मुझे चाहिए वो, ईद भी सर पर है, तो मैं डेकोरेशन की शॉप पर जाऊँगी, वहाँ से जो चीज़ें लूँगी आप लोगों को भी दिखाऊँगी, और लोकेशन भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी लेने में आसानी हो रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए। टॉपिंग सेट हो रही बलाज ऐसे वाली भाई। तो अभी हम लोग आ गए हैं टिको डॉट पीके पे, और मैं आपको क्योंकि ना इनके पास से सामान लेने का बेनिफिट ये है ना कि सामान की प्राइस काफ़ी कम होती है, और जो चीज़ मुझे चाहिए करीब भी बहुत पड़ता ही है, और सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी और प्राइस भी बहुत कम है। चलो चले, हाथ पकड़ो, बला चाहे मेरे साथ ऊपर चलते जाओ जाओ आपके अंदर। अभी जो है इनका आपको पता है दराज पे भी है, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। तो अभी जो है ना इनके, क्योंकि इनकी शॉप जो है वो ख़त्म हो रही है, तो ये लोग क्लियरेंस सेल लगाई हुई है, उन्होंने 25% ऑफ लगा हुआ है हर चीज़ के ऊपर। बाकी आपको दराज से मिल जाएंगी सारी चीज़ें। प्राइजेज आप सबको पता है कि इनकी चीज़ों की प्राइजेज बहुत ज़्यादा कम हैं, और चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? ये लाइट्स हैं, दीवार पे लगाने के लिए। और इस पर कोई डेकोरेशन पीस रख सकते हैं? सही, वो देखो बलाज बताएं। सर टेबल से कर ली पड़े हुए हैं, टेबल सामान आप कहीं के बाद ही आना मेरे ख्याल से जी, तो उसके बाद ये दो पड़े हुए हैं, एक वो वाला ट्राइपॉड शेप में भी थोड़ा सा टेबल है। अच्छा ये वाला जो शीशा नहीं, मैंने इनसे लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, बहुत ही खूबसूरत है, इसमें लॉक भी लगवा दिया, खुला हुआ है नहीं लॉक है, ठीक है। ये देखें इसकी प्राइस क्या है भाई? इसके प्राइस अभी तो 14,000 है, और मतलब
आफ्टर अभी 25% ऑफ का है शॉप पे जो है ना, उसको 25% ऑफ मिलेगा उसके बाद ऑनलाइन जो जिसको जो भी चाहिए वो। ठीक, खोलो दिखाओ मुझे, एक पे लगा दे। अच्छा मुझे ना, मुझे दिखाएं ये वाला लैंप। वैसे मुझे ये वाला लैंप पसंद आया बच्चों के रूम के लिए, ट्राइपॉड स्टाइल में बना हुआ है और ये है भी काफ़ी मजबूत सा। इसके ऊपर शेड जो है मैंने ये वाला लगवाया है और मैं भी इसको जला के दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है बगैर शेड के ऐसा है और शेड के साथ ऐसा है। ये देखा यहाँ पे और भी स्टाइल है और शेड के भी बहुत सारे स्टाइल हैं, आप कोई सा भी इनमें से ले सकते हैं जो आपको समझ में आता हो। एक लैंप का ये भी स्टाइल है, ये भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। डक बनी हुई है, केट बनी हुई है, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। वॉल लाइट ऑन कराऊं? अच्छा ये देखें जी, ये भी ऑन करके दिखा रहे हैं भाई। नीचे नहीं, नहीं नीचे प्यारा लग रहा है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। बलाज प्यारा है ना, है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो ये अच्छी लग रही है बलाज को, ये है ना, ये प्यारी है ना। ये जो मिरर है ये वाला स्टैंडिंग मिरर, इसमें ब्राउन कलर मेरे हाथ से आता है, मेरे पास ब्राउन है जी, वो भी आपको बता दूं कि इसमें ब्राउन कलर भी बड़ा। हाँ मेरे पास ब्राउन कलर है, वैसे वाइट ज्यादा प्यारा लग रहा है, एक्सचेंज करवा लो। वो देखो, चलो आओ चलें आराम से। तो मैं अप्रैल में उम्रे से वापस आई थी ना, तो जो Decor.PK की शॉप है यहाँ पे हमारे करीब होती थी वो शॉप, अब तो वो लोग लाहौर चले गए, तब मैंने उनसे कुछ शॉपिंग की थी, तो मेरे पास तब के क्लिप्स पड़े हुए हैं और मैंने लगाई नहीं थी वो मैं, लेकिन अब क्योंकि 11-11 की सेल आई हुई है तो आई थॉट चले आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं अभी डब्बा उतार के लाई हूँ स्टोर से आपको दिखाने के लिए मैंने तब क्या सामान लिया था, तो चले बैक कैमरा ऑन करती हूँ, सामान भी दिखा देती हूँ। इसके अलावा ना Decor.PK आई थिंक दराज पे अवेलेबल हैं और दराज पे अभी 11-11 सेल लगी हुई है हर चीज़ के ऊपर, तो आप कुछ भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैंने अभी दराज से काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी और उनकी वीडियो भी की थी, मेरे मेन चैनल पे मौजूद है वो चीज़ें, और मेरी एक चीज़ ख़राब आ गई थी तो वो चीज़ मेरी रिप्लेस हो गई थी। मैंने उनकी कस्टमर सर्विस से बात की तो उन्होंने बोला ये करीब आपके हमारा दराज का है ऑफिस, आप वहाँ जाएँ इसको दे दें और वो आपको या पैसे रिटर्न कर देंगे या दूसरा प्रोडक्ट देंगे। मैं अभी बैक कैमरा ऑन करती हूँ आपको सामान दिखाती हूँ। ये देखें जेली, ये नहीं था ये तो अभी मैंने खाया है, मुझे अच्छी लगती है वाली जेली फिश वाली बॉक्स है और ये मैंने तब से रखा हुआ है संभाल कर, टेप लगा के मैंने रखा हुआ था, अभी मैंने इसका टेप उतारा है। इसमें ये लीफ फिर मैंने कमरे में लगाने थे और भी काफी सारी चीजें, मैं अभी खोलती हूँ सारी चीजें बाहर निकालती हूँ आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीजें। मैंने आपको दिखा दिया ये ना बेल है और बेल है बोल पे इनको और ये ना दीवार पे सेट होती है साइड पे, मैं आपको इसकी पिक्चर अटैच कर दूंगी आप लोग देख लेना। चले सारे बॉक्सेस निकाल के बाहर रखती हूँ, मैंने ना खोल के ऑलरेडी देखे हुए थे ये चीजें पर लगाई नहीं थी, वही बात है अपने घर में लगाऊंगी अपने घर में लगाऊंगी। सारी चीजें ले लेके मैचिंग की रखी हुई थी इस बेड के साथ, ये गोल्डन थीम होगी इसकी सिल्वर थीम होगी, ऐसे करूंगी ये वैसे करूंगी और लगाया कुछ भी नहीं। ये ना कैंडल वाले जो लैंप, इसमें ना कैंडल रखी जाती है, इसका बॉक्स यहाँ को निकाल के भी दिखा देती हूँ बाहर पैक हुआ हुआ है। और अभी पहले ना इसका थंबनेल के लिए पिक्चर लूंगी, इसे निकाल के दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सारी चीजें ये देखें, ये सब चीजें ली हुई है कि इस ड्रॉर के पास लगाना है, उस ड्रॉर के पास लगाना है। मैंने कहा सोला हम दुनिया के वो वाहिद लोग हैं जिनके पास हर चीज है पर लगाने वाले बंदे मौजूद नहीं है, क्या हमने सैनिटरी का सारा सामान लिया हुआ, टाइल मार्बल हर चीज ली हुई है पर बंदा नहीं मिल रहा था हमें कि हम लगवाए इस चीजें। मिस्त्री हमारा छुट्टी पे चला गया जिस दिन से हम इस घर में शिफ्ट हुए हमारा खौफ से। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वो उसी तरह की चीज है और गोल्डन कलर में ये भी। चलो मैं सारे निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को चीजें बाहर, और मैं कोशिश करूंगी मुझे इसकी ना कोई सैंपल वीडियो मिल जाए तो वो भी दिखा दूंगी आपको कि ये कैसा लगेगी। ये ना दीवार के साथ लगती है ड्राइंग रूम में, बहुत खूबसूरत लगती है ये। तो ये चीजें थी जो मैंने खरीदी थी, मैंने बोला था अपने घर में लगाऊंगी। ये वाला जो फ्रेम है ना ये मैंने बेसमेंट के लिए खरीदा था क्योंकि बेसमेंट की हमारी सारी थीम जो है वो काली है, आपने देखा है विंडोज भी जो है उसके अल्यूमिनियम हमने ब्लैक लिए थे, जो हमारा सिंक बेसन है, जो हमारा कमबोर्ड है वो भी काला है, तो ये भी हमने काले लिए थे उसके लिए। ये तीन शीशों का है, आपको पता है डोर के पास लगाए होते हैं तो काफी प्यारे लगते हैं, तो उसमें ना पूल के पास पिलर है काफी बड़े बड़े और एक जगह पे बड़ा सारा फानूस लग रहा है, तो मैंने कहा वहां पे कहीं लगाऊंगी और काफी खूबसूरत लगी क्योंकि ना इनकी प्राइजेस बहुत कम थी, बहुत ज्यादा कम, अब तो सेल लगी हुई है अब और कम हो गई होगी, तो ये ऐसे करके तीन लगने ऊपर नीचे, तो ये तीसरा इसका पीस है ये वाला। अब इसमें जो है ना उस टाइम सिल्वर वाले जो है वो मुझे मिले नहीं थे क्योंकि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है ना इसका सारा जो थीम है वो सिल्वर है, इसकी फिटिंग सिल्वर है, इसका जो वो है सैनिटरी का सामान है वो व्हाइट और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, इवन जो हमने वो जो चाबियां लटकाने वाला लाया वो सिल्वर है, लॉक सिल्वर है आप लोगों ने देखा होगा, चटकियां सिल्वर है, तो ये गोल्डन है ये वाला, तीन ये है गोल्डन, ये डिफरेंट से आए हुए थे काफी, तो मैंने कहा यार ये काफी मजे के लग रहे हैं और काफी रीजनेबल भी है तो ये ले लेते हैं। और ये आपने भी फर्स्ट टाइम देखे होंगे, मैंने ये फर्स्ट टाइम देखे थे कि ये वॉल पे लगे हुए काफी प्यारे लगेंगे, इस तरह चीजें घर को बहुत खूबसूरत कर देती हैं। तो ये तीन का सेट था यहाँ पे रखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा ये,
और फिर उसके बाद ये गोल्डन तीन थे, ये देखें ये ऐसे लगेगा, ये 1 2 3 ऐसे लगेगा, जैसे मेरे पास वो शीशे वाला था ना सेम वैसा अटक गया, ये देखें ये ऐसे लगेगा, कितना प्यारा लगेगा है ना। इसके पीछे ना इस तरीके से लटकाने के लिए इसका लॉक सा लगा हुआ है, जिससे आप इसको इजीली कील ठोके छोटे छोटे लगा सकते हो, और ये गोल्डन कलर जो इसका काला भी नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है, जो स्प्रे वाला पेंट होता है ना उस तरह का पेंट हुआ हुआ है, ये देखें इतने मजे के लग रहे हैं ना ये देखें, और इतने कम प्राइसेस में कि बस। उसके बाद ये वाला जो प्रोडक्ट था ये काफी यूनिक सा था, मैं आपको निकाल के दिखाने लगी हूँ खोल के। रिको लॉटरी का लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 11-11 सेल इनकी लगी हुई है, आप लोग वहां जाके ले सकते हो, क्योंकि अब इन लोगों की दुकान है नहीं, दुकान इनकी तभी खत्म हो गई थी जब मैं उमरेस आई थी, मैंने सामान लेने गई थी तो वो दुकान उस टाइम पे क्लोज कर रहे थे, तो मैंने लैंप वगैरह लेने थे फैंसी तो मुझे मिले नहीं थे उस टाइम पे, फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना बाद में ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, तो मैंने अभी इसलिए नहीं किया ऑर्डर, के अभी मेरे पास जगह भी नहीं रखने के लिए, मुझे पता है खराब हो जाएंगे। जो है ये इस तरीके का है, इसमें वो जो आपकी कैंडल्स होती है या आप दूसरी वाली भी रख सकते हो, वो जो सेल वाली आती है ना वो भी रख सकते हो, ये बहुत खूबसूरत लगती है, इवन आप इसको बेड के साइड से भी लगा सकते हो, देखो ना इस बेड के साथ ही कितना अच्छा लग रहा है, उठ रहा है ये, तो ये देखें जी इतना खूबसूरत लग रहा है, इसके ऊपर कैंडल रखी होगी तो कितना खूबसूरत लगेगा ये, है ना। आपको बैक कैमरे से भी दिखा रही हूँ कि कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है ये काले वाले शीशे भी देख लें आप कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरा पर्दा भी नजर आ रहा है शीशे में कितना अच्छा लग रहा है वो भी, है ना। उसके बाद ये गोल्डन वाले आप देख लें कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए माशाल्लाह से, और उसके बाद फिर ये वाले देख लें कितने अच्छे लग रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें तो कैंडल लगी हो ना ये क्या लगेगा। तो ये सारी चीजें थी, बाकी मैंने अपनी वीडियो भी ऐड कर दी है इसके अंदर, आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। और भाई अभी मैं जा रही हूँ छत पे, बिकॉज वकास लेके आए थे माल्टे, वकास की ना बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि अपने घर की छत पे बैठ के माल्टे खाऊंगा, तो मैं माल्टे नमक काली मिर्ची छत पे रखने लगी हूँ चटाई बिछा के, जहाँ पर उन्होंने बैठ के खाने में खा लेंगे। मिस्त्री साहब आज फिर नहीं आए, आज फिर छुट्टी कर गए हैं, कल आए थे इतने दिनों बाद, एक दीवार प्लास्टर करके गए हैं बस। यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना मिस्त्री के ऊपर, उफ कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखें। हालांकि ना उसको हमने ठेके पे काम दिया हुआ, ये भी नहीं कि हमने दिहाड़ी पे काम दिया, पर उसने काम ऐसे करके दिया है, सांस फूल गया मेरा, जैसे दिहाड़ी पे काम करते हैं, लाइक सुबह आता है 10 बजे और 5 बजे चला जाता है, और उसके पैसे भी अब इतने नहीं बचे हैं कि बंदा बोले कि कोई और लगा लेते हैं। और यहाँ पर ना शायद हर जगह ऐसा होता होगा कि ना मिस्त्री जो है ना वो किसी और मिस्त्री का काम नहीं लेते जब तक वो बंदा खुद आके उनको ना बोले कि हाँ मैं इनका काम नहीं कर रहा अब ले लो। तो अब मैंने कहा सुखा है कल आएगा तो आप उसको गुस्सा करोगे, क्योंकि ना रात को 2 चूहे जो है वो जो हमने लाया था चिपकने वाली मेट, उसके साथ 2 चूहे चिपक के मरे, बच्चे थे वो चूहे के, इसका मतलब है कि चूहे ढेर सारे हुए हैं। कैसे हुए हैं कि जब हम नहीं थे घर में, फरवरी से हमारा घर का काम हो रहा है, तो यहाँ पे लेबर रहती थी, वो लोग खाना खाते थे, और जब हम घर में शिफ्ट हुए तो जगह जगह पर रोटी के पीसेस पड़े हुए थे, बेसमेंट में भी, छत पर भी, ग्राउंड फ्लोर पर भी, और उसी की वजह से चूहे आए होंगे, उनको खाने की कोई चीज़ मिली है। अब चूहे जो है ना वो एक्चुअली आई थिंक बेसमेंट में, क्योंकि रात को बेसमेंट से बहुत खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, और वहाँ से वो ऊपर आ रहे हैं। अब 2 चूहे उस प्लेट जो हमने चिपकने वाले आप लोगों ने बताया था आप ही ले आए, उस पर 2 चूहे के बच्चे चिपके हुए थे, तो वकास ने रात को 3:30-4 बजे वो चिपके हैं ना उसके ऊपर आके, तो खड़खड़ खड़खड़ करना शुरू हो गया टेबल, और हमारी आँख खुल गई। फिर थोड़ी देर बाद बर्तन वाला रेक भी गिर गया, तो किचन में तो नहीं मिला हमें चूहा, ये 2 चूहे कमरे से चिपक गए थे। मैंने वकास को कहा 3-4 ले आए प्लेटें, ऐसी जगह जगह पर रख दें, मैंने वो बेड की साइड टेबल के नीचे रखी थी क्योंकि वहाँ पर आता था वो चूहा, तो वो 2 तो वहाँ से चिपक गए। मैंने समझा एक होगा, लेकिन जब वो 2 चिपके तो मैंने कहा वकास इसका मतलब है कि बच्चे दिए हुए चूहे और ढेर सारे हुए हैं ये, अब पता नहीं चीज़ें ना ख़राब कर दें। यार टेंशन होती है काफ़ी ज़्यादा, किसी को क्या लगे कि अगला बंदा कितनी टेंशन, मैं इतना तंग आ गई, इतना तंग आ गई हूँ लिटरली, मेरा रोने का दिल कर रहा है, रोज़ गंद समेट समेट के, बच्चे भी इरिटेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा तस्वीर बहुत इरिटेट हुई है कि मामा रोज़ सफाई करनी पड़ती है, रोज़ डस्ट डस्ट हो जाती है हर चीज़, इनको एहसास ही नहीं है कि अगला बंदा कितनी मुश्किल से रह रहा होगा। अब आपके सामने 3-4 साल से, उससे पहले भी जब हम ढोकराचा में रहते थे तब भी मेरा कमरा बहुत नीट एंड क्लीन होता था, मैंने एक साइड पे सलून बनाया हुआ था, एक साइड पे रूम था, मैं कभी भी इतने मेस में नहीं रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है हर चीज़ ठीक है, पर लेबर बहुत तंग करती है यार बहुत ज़्यादा। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे कि आप ये बोलते 1 महीना लगाते 6 महीना है, अब वो 2 चूहे तो मर गए, मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा आपका दिल ख़राब होगा, वो वकास ने उनको झाड़ू से मार मार के प्लेट से हटाया नहीं, वकास मेरे से नहीं हटते, अब ये प्लेट से वो पक्के चिपक गए थे उसके ऊपर, तो उन्होंने झाड़ू से मार के प्लेट के ऊपर ही उनको अच्छे से शॉपर में बांध के डस्टबिन फेंक दिया था। अब आज 2 प्लेट्स और लेके आएंगे, अभी गए हुए वकास ना, मैं तो ठंडे पानी से नहा ली थी, वकास ने नहाए थे, बच्चों को भी मैंने साफ सुथरा कर दिया, वकास अपने लिए रॉड लेने गए कि मैं रॉड से पानी गर्म करके फिर नहाऊंगा, उनको सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा। गीज़र जो है ना, जो हमने सैनिटरी का सामान साफ किया था ना, तो वो सारा सामान जो है वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा था कि उसके बदले हमारा गीज़र आराम से आ जाएगा, 40,000 समथिंग का सामान था वो जो प्लम्बर ने एक्स्ट्रा मंगवाया था,
तो वो सामान वापस हो गया, लेकिन गीज़र हमने उठाया नहीं है अभी। उसका रीज़न ये है कि मैं कह रही हूँ पीछे से वो शेड प्लास्टर होकर उस पर मार्बल लग जाए, फिर एक दफ़ा गीज़र ला के फिक्स करवा देंगे, क्योंकि अब गीज़र भी ला के फिर उसको उठा के रखते फिर यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, वो अच्छा खासा भारी होता है आप सबको पता है। तो अभी बच्चा दिखाती हूँ, मैंने अभी इस कपड़े साफ़ सुथरे बनाए, फिर ऊपर आके मट्टी मट्टी हो जाएंगे। ये साफ़ कपड़े पहना के आई हूँ ना नीचे से, हैं समझ नहीं आती बात, कपड़े गंदे कर रहे हो, हटो यहाँ से, हटो, चलो इस तरफ चलो, मना क्या हुआ इस तरफ नहीं आया करो, दीवार नहीं बनी हुई है इस तरफ की, चलो भागो। सारा दिन बस बच्चों के कपड़े बदलते रहो, बस यही है जिंदगी। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आसानी करेगा, जहाँ अल्लाह ताला ने इतनी आसानी की अल्लाह और भी आसानियाँ कर देगा। मैं आप लोगों के लिए decore.pk का लिंक लगा दूंगी। लोगों की सेल लगी हुई है 11:11 और बस मैं वकास का वेट कर रही हूँ, आएंगे नहाएंगे नमाज पढ़ेंगे फिर छत पे आएंगे तो माल्टे खाएंगे, और बस decore.pk का लिंक लगा दूंगी। उनकी सेल लगी हुई है 11:11, उनकी चीज़ों की प्राइजेस बहुत कम है यार, जो ये लॉन्ग मिरर है ना ये दूसरे पेजेस 20-20, 24-24 हज़ार का दे रहे थे, और मैंने उनसे 12,000 का लिया था तब, वो गोल्डन वाला भी और वो जो अलमारी है ज्वेलरी वाली जो मेरी आप लोगों ने मेरी देखी वो मैंने उनसे तब मैंने जब ली थी जब 12,000 की थी, फिर 14,000 की हो गई थी बाद में, और अभी मुझे नहीं पता कितने की है, लेकिन आप लोग पूछ लेना, मैं उनका जो जितने भी लिंक्स है ना मैं लगा लूँगी, आप लोग ना इंस्टाग्राम पर जाकर उनसे पूछ लेना कि हमने ये चीज़ लेनी है, हमने ये चीज़ लेनी है, और जो चीज़ें मेरे पास है उसके अलावा भी और भी चीज़ें काफ़ी पास है, आप बेशक उनके रेट कंपेयर कर लेना, उनके रेट सबसे कम है। इसके अलावा ये है कि क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है, मैं लिंक दे रही हूँ तो कभी कोई कंप्लेन आ जाती है तो मैं हल करवा देती हूँ, वैसे कंप्लेन अभी तक उनकी मुझे आई नहीं है एक भी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे आप लोगों को, आप वहाँ से जाके जो भी खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, रिकमेंडेड है पेज मेरी तरफ से। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करना, और गुड न्यूज़ जो थी वो यही थी कि मुझे एक पेज जो था ना वो उम्रे के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, पर वकास मुझे अलो नहीं कर रहे अकेले जाने के लिए, क्योंकि मुझे अकेले को अलो कर रहे हैं, क्योंकि वकास कह रहे हैं कि अभी नहीं जाओ तुम, हम सबके साथ जाना जब घर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हम सब ने सोचा था। मुझे और कहीं जाने का शौक नहीं, मुझे गोल्ड की चूड़ियों का भी इतना कोई शौक नहीं, हुई ना सही, लेकिन मुझे उम्रे पे जाने का, हज पे जाने का बहुत है। आप सबको पता है मैं स्टोरीज भी लगाती रहती हूँ, जब से मैं उम्रे से आई हूँ ना, मुझे उससे पहले भी शौक था, लेकिन जब से मैं उम्रे से आई हूँ ना और एक दफ़ा जब देख आई हूँ तो जैसे कोई क्लिप या कोई वीडियो या कोई तस्वीर मेरे सामने आती है मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है, या किसी को देखती रहो कोई उम्रे पे जा रहा है मेरे दिल को कुछ होता है कि मैं क्यों नहीं जा रही, ये जा रहा है बंदा, मैं खास बोल रही थी मैं कब गई वही घर के खर्चे पूरे कर दो, क्या मेरे पैसे मैं उम्र जा रही मुझे नहीं पता, तो ऐसा होता है। तो पेज जिसको भी शायद इस चीज़ का पता है कि मुझे बहुत शौक है, तो वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे, हम आपको उम्र भेजना चाह रहे हैं, 8 दिन का पैकेज था, पर वकास नहीं मान रहे, बड़े उनको बोला है मान जाओ, वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं जाओ यार, घर बन जाएगा फिर जाना। अब मेरी तो दुआ है कि वकास मान जाए, आप लोग भी दुआ करना मान जाए, क्योंकि मुझे बहुत शदीद तड़प है यार, बहुत शदीद, मैं बेशक एक दिन के लिए भी जाऊँ ना मेरा दिल्ले में जाऊँ, तो बस आप लोग दुआ करना कि वकास मान जाए और मैं जा सकूँ। और बस यार decore.pk का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियोज़ को लाइक किया करो यार, और शेयर भी किया करो, और कॉमेंट भी किया करो, ढेर सारे कॉमेंट किया करो, ताकि आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ते रिप्लाई करते करते बिजी रहो और टेंशनों से दूर रहो और मोटिवेशन मिलती रहे मुझे। बस अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।